नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड मोदी लहर पर सवार बीजेपी रिकॉर्ड सीटों के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। कल पीएम मोदी सहित 57 मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली, पर इस बार मोदी कैबिनेट में सिर्फ 6 महिलाओं को ही मंत्री बनाया गया है, जिनमें से 3 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जबकि 3 महिलाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। पर बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की, तो पिछली बार इस कमेटी में 2 महिला शामिल थी। सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण इस कमेटी का हिस्सा थी, पर इस बार सिर्फ निर्मला सीतारमण ही फिलहाल इस कमेटी में अपनी जगह बनाने में कायम रही। निर्मला सीतारमण को देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। वो उन महिला नेताओं में से एक है जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर तक पहुंची है। अब उन्हें वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया है। तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार की निर्मला ने किसी वक्त में सेल्स गर्ल के रूप में काम किया था, लेकिन फिर बीजेपी से जुड़कर वो सिर्फ 11 साल में यहां तक पहुंच गई हैं। निर्मला ने 2008 में राजनीति में एंट्री ली और बीजेपी ज्वाइन की। इसके 2 साल बाद ही वो बीजेपी प्रवक्ता बन गई। साल 2014 में मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का पद सौंपा गया और 2017 को हुए कैबिनेट बदलाव में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। आज उन्हें वित्त मंत्रालय वाला कार्यभार संभालने को मिला है, जो पहले अरुण जेटली के पास था। स्मृति ईरानी ये उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी हार में भी जीत के सूत्र तलाशे और 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद गांधी खानदान के अमेठी का किला फतेह कर लिया। 2 अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी स्मृति ईरानी को इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी ने इस बार के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मात देते हुए इतिहास रच दिया। पर अमेठी में स्मृति की जीत के बाद सियासी रंजिश में उनके कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। स्मृति सुरेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने अमेठी पहुंची और VIP कल्चर तोड़ते हुए उनकी अर्थी को कांधा दिया, जिससे वो राजनेता से जन जन की नेता बन गई। सुरेंद्र स्मृति के करीबी माने जाते थे और उनको जीत दिलाने का श्रेय भी सुरेंद्र को ही जाता है। 2003 में बीजेपी से जुड़ी स्मृति की पहचान पार्टी के भीतर एक जुझारू नेता की रही है और यहां तक कि बीजेपी में उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्मृति 2014 से ही अमेठी में सक्रिय रही। उस आम चुनाव में हारने के बाद भी उनका अमेठी आना जाना और वहां के लोगों से मिलना जुलना बरकरार रहा, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में देखने को मिला। पंजाब की राजनीति में अपने तीखे और असरदार अंदाज के लिए पहचाने जाने वाली हरसिमरत कौर बादल का ताल्लुक 2 सियासी घरानों से रहा है। घर परिवार में मिले सियासी तजुर्बों का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी राजनीति के अखाड़े में किया है। इस बार मोदी कैबिनेट में उन्हें फिर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। भारत की प्रसिद्ध महिला पॉलिटिशियंस में से एक हरसिमरत कौर बादल ने साल 2019 के चुनाव में पंजाब की भटिंडा लोकसभा सीट से जीत हासिल कर हैट्रिक लगा दी है। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हरसिमरत को भटिंडा से पहली बार चुनावी मैदान में उतारा। हरसिमरत ने भारी मतों से जीत हासिल की, पर उनकी जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2014 में एक बार फिर हरसिमरत ने इसी सीट से चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल कर मोदी कैबिनेट में अपनी जगह बना ली। संसद में अपने जोरदार भाषण के लिए जानी जाने वाली हरसिमरत कौर गरीबों और खास तौर पर कमजोर महिलाओं के विकास के लिए हमेशा आगे रहती हैं और उनके इन कामों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराहना मिल चुकी है। बने रही HS न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।